एक गांव में एक टुन्नी चिड़िया ने हाल ही में अंडे दिए थे। ये मेरे बच्चों के लिए सही घोंसला नहीं है, मुझे दूसरे जगह घोंसला बनाना होगा। और पास ही के जंगल में कालू और कालू का बेटा डोंकी रहता था। पापा पापा, भूख लगी है, मेरे को खाना दो जल्दी लाके। ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ जाके, अगर कुछ मिलता है बड़ा शिकार तो लेके आता हूँ। आज कुछ बड़ा शिकार लेना पड़ेगा, मेरे बेटे को बहुत भूख लगा है। इतनी सारी अंडी, वाह मस्त हो गया, आज तो मैं खूब पेट भर के खाऊंगा और अपने बच्चे के लिए भी लेके जाऊंगा। और टिल्लू वहां से निकल गया और फिर अपने बच्चे के लिए लेके जाने लगा। उसका बच्चा भी वहाँ बैठा हुआ था, देख के बहुत खुश हो गया। पापा पापा, बहुत अच्छा लेके आए हो आप। आ पेट भर गया। मेरे बच्चों को किसने मारा? मेरे को पता करना पड़ेगा। अच्छा ही कौआ, रुक कालू आ रहा हूँ। ऐसा कह के टुनटुनी चिड़िया निकल गई कालू के घर। आज तो मैं कालू को नहीं छोड़ूंगी। कालू का बेटा वहीं बैठा हुआ था। तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? पापा मेरे लिए खाना लेने गए हैं, अभी स्वादिष्ट खाना लेके आए थे, मैं पेट भर के खाया और लेने गए हैं। वो स्वादिष्ट खाना नहीं थे, वो मेरे बच्चे थे। आज तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चों को मार दिया। मैं ये कह के टुनटुनी चिड़िया ने उस बच्चों को मार के निकल गया। इस कहानी से ये सीखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।